गुरु हरगोबिंद, मोसन फानी एक गल लिखता है कि मैनू तो छेवें पातशाह के अंदर ये जंग युद्ध भी कर देना तो मैं यूं लगता जिमें कोई टीचर अपने चेलियां सिखा रहा होंदा है। हुण गुरु हरगोबिंद साहब ने चार जंग लड़े ने ते चारां दे विच जड़ा अपोनेंट है, अपोनेंट चैलेंज करता है गुरु हरगोबिंद साहब नो, भाई असी एवें अजाई खून क्यों डोलीए, जो तो पहली जंग हुई है ते सामने आया जड़ा फौजदार कहिंदा है भाई तुसी कादा तखत बना लिया इत्थे अकाल तखत, दिल्ली शहनशाह का इन्ना वड्डा तखत है तो तुसी अपने आप नू शहनशाह खवांदे हो ते एवें लोगों का क्यों क्यों डोलदे हो, आ मेरे नाल लड़ लो। पातशाह कहिंदे ने अच्छा लड़ लै भाई, वो कहिंदा जी गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे ने अच्छा जे तू लड़ना ही है ना तो पहला वार तू कर लै, वो पहला करदा है खुंडा पै जांदा है, दूजा करदा गुरु पातशाह ढाल नाल रोकदे ने, तीसरा करते ने तीसरा वो करता, तीन उन्हों कहें कि तू वार कर लै, तो जो तीन अजाई जाते ना पातशाह कहें वार इं नहीं इं करीद, तो कहता मत्थे दे उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब दे कदे कोई त्यूड़ी नहीं है, बड़े प्यार दे नाल वो सारी गल कर रहे हैं। एक टीचर नू किसी भी सिचुएशन के अंदर क्रोधित होना अपने आप विच डिफीट है, अपने आप विच हार मनन दे बराबर है। एक टीचर नू ता इन्ना सहनशील इन्ना संजमी होना चाहिए कि बच्चा किन्ना भी गुस्से वाला होवे किन्ना भी क्रोधित होवे ओ अपने आप दे विच अपने ओदा जड़ा कंपोज है ओदा जड़ा चेहरा है वह मुस्कुराउंदा रहे, ओ प्यार वाला बनिया रहे, बच्चे की वधीकी तो वधीकी नू भी सहन कर सके ते उस नू गाइड भी कर सके। ते एवें नहीं आखदे कि टीचर दे तीन रोल इक्को विच ने, ओ बच्चियां दा दोस्त भी है, ओ बच्चियां दा दिशा निर्देशक भी है ते ओ बच्चियां लई दार्शनिक भी है। ही इज़ ए फिलोसोफर, he is a guide and he is a friend, a teacher is a friend, philosopher and guide, e tinno role teacher de ne kyon ki usne ta jada usnu charge mile hai jade bacche ne na inna nu je assi eh samjhiye it is a spiritual charge jada mainu society walo mile hai, बच्चियां दी रूहानियत दा विकास करन दा जिम्मा एक टीचर नू दिता गया है। ते जिहड़ी ए इन्हां दी जिहड़ी परवरिश करनी है गुरु के लाल ने जिन्हां नू मैं परवरिश करनी है, जदों इस नैतिक जिम्मेदारी दा असी एहसास करांगे रब अगे अरदास करांगे तां सानू अपने आप राह भी मिलेगा, जे इन्हां नू ए समझन दी कोशिश करिए। पर जे ये कहिए कि हैं इन्हां ने तो पढ़ना ही नहीं, पता नहीं केड़े केड़े इन्हां तो नक पूंजना नहीं आउंदा, ओ भाई स्कूल आया तो ये जिम्मेवारी भी तो साड़ी है ना, जे नक पूंजना नहीं आया तो नक पूंजन की जिम्मेदारी उन्होंने आए चंगियां आदतां सिखाने की जिम्मेदारी भी तो टीचर की है, जे उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं आया कोई माँ के गर्भ विच्चों तो कोई सीख के आया नहीं, सिखाना तो टीचर नहीं है। तो असी कहने मापे कुछ नहीं करते, मापे नहीं पढ़ाते घर के अंदर, वो भाई टाइम आने वाला मापिया को टाइम ही नहीं आना, ये सारी जिम्मेदारी तो टीचर से ही आनी है। सो इस जिम्मेदारी नू संभालिए, इस जिम्मेदारी नू अपनाइए ते इस नू इउं निभा करिए कि साढ़े उत्ते कोई उंगल ना उठाए, क्यों कि जमाना भी बदलिया, कानून भी बदलिया, जिम्मेदारियां भी बदलिया। जे तो ये गल स्पष्ट हो गई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट विच है कि जिन्हिया स्कूल मैनेजमेंट्स ने जे वो सरकारी स्कूल ने तो सरकार की जिम्मेदारी है,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਵਰਗਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।